भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा आखिरी एवं निर्णायक वनडे मुकाबला बेहद शानदार तरीके से एक अलग रुख लेता नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय टीम की एक समय 4 विकेटें जो गिर चुकी थीं, उस दौरान लग रहा था कि शायद भारत 250 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ऋषभ पंत ने शानदार तरीके से पहले अपना शतक पूरा किया और उसके बाद कुंग फू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या, जिन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, उन्होंने शानदार अंदाज में यहां पर की है बल्लेबाजी और उन्होंने भी पंत के बाद जड़ दिया है ताबड़तोड़ शतक। पंत की बात की जाए तो पंत ने यहां पर 12 इनिंग में इस दौरे पर 523 रन बनाए, करीब 53 की औसत, 105 की स्ट्राइक रेट, 4 अर्धशतक और 1 शतक उन्होंने जड़ा। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त अंदाज में अभी तक बल्लेबाजी की है और शानदार अंदाज से दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया है। महज 12 ओवरों में दोनों ने करीब करीब शतक की साझेदारी कर दी और टीम इंडिया के स्कोर को 250 के पार ले जाने में एक अहम सफलता हासिल की है। भारतीय टीम ने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और इसी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया अब एक बड़े स्कोर की नींव रखते से बहुत पीछे नहीं है। अभी भी 14 ओवर का खेल बाकी, हालांकि अभी काम बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। अब तक कंजर्वेटिव अप्रोच जो अपनाया था भारतीय टीम ने, जो एक तरीके का तिलिस्म तोड़ने की ज़रूरत थी, उस तिलिस्म को तोड़ा है यहां पर टीम इंडिया ने और भारतीय टीम का भले ही यहां पर विकेट गिरा हो, लेकिन एक बड़ा अच्छी साझेदारी वो करके यहां पर टीम इंडिया के लिए चले गए। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Thank you.